आज डाउटनेट आप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड्स, हमें क्वेश्चन दिया हुआ है बिंदु 3.4.-1 से जाते हुए तथा तल r वेक्टर (2i)-3j(+5k)+7=0 के समांतर तल का समीकरण ज्ञात कीजिए। तो आइए दोस्तों इस दिए गए क्वेश्चन को हल करते हैं। तो इसमें हमें एक बिंदु दिया हुआ है, इसको मैं a मान लेता हूँ। बिंदु a दिया हुआ है 3.4.-1 और इस बिंदु का स्थिति सदिश में लिख सकता हूँ। इस बिंदु का स्थिति सदिश, इसको सदिश रूप में लिख सकता हूँ r वेक्टर बराबर 3i(+4j)-k। इसको समीकरण नंबर 1 देते हैं। और इस क्वेश्चन में हमें एक समतल का अर्थात तल का समीकरण दिया हुआ है जो कि इस प्रकार है, r वेक्टर (2i)-3j(+5k)+7=0। तो इसको अब मैं यहाँ से लिख सकता हूँ r वेक्टर (2i)-3j(+5k)-7। इसको समीकरण नंबर 2 देते हैं। और हमें इस तल के समांतर तल का समीकरण ज्ञात करना है। तो इसके समांतर तल का समीकरण, समांतर तल का समीकरण ये हो जाएगा r वेक्टर (2i)-3j(+5k)-d। इसको समीकरण नंबर 3 देते हैं। अब समीकरण नंबर 1 से r वेक्टर का मान ये यहाँ पर रखूँगा तो ये हो जाएगा 3i(+4j)-k(.2i)-3j(+5k)-d। अब इन दोनों राशियों का मैं अदिश गुणनफल करूँगा इन दोनों, तो यहाँ से ये हो जाएगा 3×2+4j(-3j)। तो ये हो जाएगा 4×-3+-1×5=d। तो अब यहाँ से इसको सॉल्व करूँगा तो ये हो जाएगा 6−12−5=d। तो यहाँ से d का मान आ जाएगा (d)-11। अब d का मान मैं समीकरण नंबर 3 में रखूँगा तो यहाँ से लिख सकता हूँ d का मान समीकरण 3 में रखने पर तो ये हो जाएगा r वेक्टर (2i)-3j(+5k)-11। इसको मैं यहाँ से लिख सकता हूँ r वेक्टर (2i)-3j(+5k)-11=0। यही इसका आंसर होगा। तो दोस्तों हमें क्वेश्चन में एक तल दिया हुआ था और बिंदु दिए हुए थे, तो उन बिंदुओं से होकर जाने वाले तल के समांतर समतल का समीकरण ज्ञात करना था। तो उसका उस तल का समीकरण होगा वो होगा r वेक्टर (2i)-3j(+5k)-11=0। यही इसका आंसर होगा। थैंक यू। कक्षा 6 से 12 से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400400400 पर।